मेरे घर में तो चारों तरफ से पानी आना शुरू हो गया है। अब मुझे कहीं और ठिकाना ढूंढना होगा। टूनी उड़ते हुए एक पहाड़ी वाली गुफा में चली जाती है। रामपुर के जंगल में टूनी, रानी कबूतरी और हरी तोता अच्छे दोस्त होते हैं। उल्लू पक्षियों का राजा होता है, पर वो बहुत घमंडी होता है और उसके चापलूसी कालू कौवा करता है। उल्लू राजा जंगल में बाढ़ से बचने के लिए कुछ नहीं करता। जंगल में बारिश के दिनों में बाढ़ आने की संभावना होती है। ये देखकर एक दिन, रानी रानी देखो ना, बारिश का मौसम आने वाला है, लेकिन हमारे उल्लू राजा ने बारिश के पानी को निकालने के लिए कुछ नहीं किया। हाँ टूनी बहन, तुम ठीक कह रही हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? उल्लू राजा के आगे हमारी कहाँ चलती है, वो हमारी सुनते ही कहाँ है। दोनों इसी विषय में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ मीनू और हरी तोता आ जाते हैं। अरे दोस्तों, तुम दोनों आखिर इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हम दोनों उल्लू राजा के पास जा रहे हैं, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। उल्लू राजा के पास? आखिर ऐसी क्या बात करनी है तुम दोनों को? मुझे तो उसके पास जाने में बहुत डर लगता है। अरे रानी बहन, डरती क्यों हो? हक की बात करने में कभी भी डरना नहीं चाहिए, और फिर भी डर लगता है तो घर पर ही रहो। हाँ। अरे टूनी बहन, घर में रहने की बात मत करो, ठीक है? ठीक है, चलती हूँ। अरे दोस्तों, डर के आगे जीत है, इसीलिए मैं भी चलूंगी। और हाँ दोस्तों, हरी तोता ने जंगल में खबर सुनी है, बारिश इस बार कई दिनों तक रुकने वाली नहीं है, इसीलिए हमें राजा जी के पास चलकर ये बात करनी ही चाहिए। हाँ वैसे उल्लू राजा तो कभी किसी की नहीं सुनते, मगर बात इतनी गंभीर हो तो उन्हें बताना हमारा फर्ज है। उल्लू राजा सिर्फ कालू कौवे की बात सुनते हैं, क्यों ना हम पहले कालू कौवे से ही बात करके देखें। ये बात उन चारों को ठीक लगती है। उसके बाद चारों कालू कौवे के पास जाते हैं। कैसे हो कालू भाई, क्या हाल है तुम्हारा? मेरा हाल जानने नहीं आए हो, जरूर तुम लोग को मुझसे कुछ काम करवानी होगी। कालू की बातें सुनकर चारों एक दूसरे को देखने लगे। इतने में वहाँ उल्लू राजा आ जाते हैं और उन सबको देखकर बोलते हैं, क्या बात है, तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? राजा जी, दरअसल बात ये है कि ये कहकर रानी कबूतरी हकलाने लगती है। तभी हरी तोता कहता है, वो बात ये है कि कल मैंने बारिश और बाढ़ के बारे में सुना, अगर आपने बाढ़ को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया तो हमारा जंगल भी बाढ़ में डूब जाएगा। हरी तोता की बात सुनकर उल्लू राजा गुस्से में कहता है, मुझे मेरा काम सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। उल्लू राजा की बात सुनकर कालू कौवा चापलूसी करते हुए कहता है, राजा जी मैंने चारों को कहा था, हमारे राजा जी को अपने काम के बारे में सब पता है, उनको कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, पर ये लोग माने ही नहीं। ये सुनकर सभी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आ जाता है और एक दिन बहुत बारिश होने लगती है और कई दिनों तक बारिश रुकती नहीं है और टूनी के घर में पानी आने लगता है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे घर में तो चारों तरफ से पानी आना शुरू हो गया है, अब मुझे कहीं और ठिकाना ढूंढना होगा। टूनी उड़ते हुए एक पहाड़ी वाली गुफा में चली जाती है और वहाँ पहुँच कर देखती है कि उसके सभी दोस्त पहले से ही वहाँ पर थे। अरे तुम सब भी यहाँ पर हो, तो क्या करें, हमारे घर में पानी भर गया है और ये सब उल्लू राजा की वजह से हुआ है। रानी की बात सुनकर हरी तोता कहता है, मेरे भी घर में पानी भर गया है, मैं भी डूबते डूबते बचा हूँ। और टूनी, तुम्हारे घर में क्या हुआ? दोस्तों तुम्हें तो पता ही है, मेरा घर कमजोर था और बारिश की वजह से वो भी टूट गया, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। चारों यही बातें कर रहे होते हैं, तभी गुफा में भी पानी भर जाता है। उस गुफे में मोटी मोटी लकड़ियाँ होती है, जिसे देख मीनू चिड़िया कहती है, दोस्तों तुम सब चिंता मत करो, हमें इन मोटी मोटी लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा करके उसी के ऊपर चढ़ना चाहिए। फिर चारों मोटे मोटे लकड़ियों को इकट्ठा करके उस पर खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ कालू के घर में भी पानी घुस जाता है।
अरे मेरे घर में पानी घुस गया है, अब मैं कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ। फिर कालू कौवे को उल्लू राजा की याद आती है और वो उल्लू राजा के पास चला जाता है। वो देखता है कि उल्लू राजा के महल में भी पानी घुस गया है। ये देखकर कालू कहता है, अरे यहाँ तो राजा के महल में भी पानी घुस गया है, मुझे कहीं और जाकर अपनी जान बचानी पड़ेगी, पर मैं कहाँ जाऊँ। कालू कौवा सोचने लगता है, अरे ये चारों चिड़िया राजा जी के पास मदद मांगने नहीं आई, लगता है वो सब पानी से बचे हुए हैं, मुझे पता करना चाहिए। फिर कालू कौवा भी पहाड़ी की ओर चला जाता है। वहाँ देखता है कि उस गुफा में चारों मोटे मोटे लकड़ियों के ऊपर खड़े हैं। ये देखकर, टूनी बहन मुझे भी बचा लो, क्या मैं तुम लोगों के साथ आ सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चलो जाओ जाओ अपने राजा के पास। अरे दोस्त ऐसा नहीं कहते, कोई मुसीबत में मदद मांगे तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। टूनी कालू कौवे को लकड़ी के ऊपर बुला लेती है। वो सब पानी से बचकर उन लकड़ियों के ऊपर बैठे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उल्लू राजा पानी में डूब रहा होता है। अरे कहाँ जाऊँ मैं, अभी तक मदद के लिए कोई भी चिड़िया मेरे पास नहीं आया, एक बार जाकर देखता हूँ शायद कोई मदद कर दे। उल्लू राजा भी मुश्किल से उड़ते हुए महल से निकलता है और उड़ते हुए उस गुफा के पास पहुँच जाता है। वहाँ सबको देखकर, दोस्तों क्या तुम्हारे जंगल के राजा को रहने की जगह मिल सकती है, मुझे भी बचा लो इस बाढ़ से। राजा जी हमारे दोस्तों का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको भी जगह दे देंगे। राजा जी ये सब आपकी ही वजह से हुआ है, अगर आपने हमारी बात मान ली होती और जंगल में बाढ़ के पानी को निकालने के लिए कोई व्यवस्था किया होता ना, तो आज हम सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता। रानी अभी ये सब बात करने का समय नहीं है, अभी हमें अपने राजा जी की मदद करनी चाहिए, ये हमारा फर्ज है। फिर सारे चिड़िया उल्लू राजा को भी जगह दे देते हैं। थोड़ी देर में बारिश और तेज हो जाती है और बाढ़ भी पड़ने लगता है। पहाड़ी की ऊंचाई की वजह से बाढ़ का पानी वहां घुस नहीं पाता है, जिसकी वजह से उन सब की जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और वो सारे बाहर निकल कर देखते हैं तो सारा जंगल बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुका होता है। ये देखकर राजा जी कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैंने बाढ़ के पानी को निकालने के लिए कोई योजना बनाई होती तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, एक राजा होने के बावजूद भी मैंने अपनी प्रजा की समस्या को नहीं समझा। राजा की बात सुनकर कालू कौवा कहता है, राजा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन चारों दोस्तों की वजह से हम बच पाए हैं, अगर ये सब हमें अपने पास रुकने नहीं देते तो आज हम बाढ़ में डूब चुके होते, मुझे भी माफ कर दो दोस्तों। कालू राजा जी आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है, पर अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोबारा जंगल में बाढ़ आने की नौबत ही ना आए। टूनी की बात सुनकर उल्लू राजा जंगल से पानी निकालने की व्यवस्था करता है और फिर कभी बाढ़ के पानी जंगल में नहीं आता और सभी हंसी खुशी रहते हैं। हे भगवान इस छत ने तो टपक टपक कर मेरा दिमाग ही हिला दिया है, बहू कोई बर्तन तो देना वरना सारा घर गीला हो जाएगा। माँ जी कितने बर्तन लगाएंगे यहाँ पर, जहाँ से देखो वहाँ से पानी टपक रहा है। मीनू ने अपने आसपास देखा, चारों तरफ पानी को रोकने के लिए बर्तन ही बर्तन रखे हुए थे और काफी जगह से पानी टपक रहा था। माँ जी अब हमारे घर की छत बहुत खराब हो चुकी है, मुझे तो डर लगता है कि किसी चोर से तूफान में हमारा घर न ढह जाए। बहू सब सब बोल, अगर हमारा घर भगवान न करे ढह गया तो हम क्या करेंगे। शाम होते ही टूना और उसके पिता घर आते हैं। माँ हम आ गए, टूने जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। अजी कहाँ से खाना दूँ, जरा घर की हालत तो देखिए,
टूना ने घर को देखा, पूरे घर में कीचड़ हो रखी थी। ये सब क्या है? यही तो है, जरा सी बारिश आ जाए पूरे घर का सत्यानाश हो जाता है। सारा चूल्हा भीग गया जिसकी वजह से आग नहीं जल पाई और खाना भी नहीं पक पाया। यहाँ तक कि सारे बिस्तर भी भीग चुके हैं। समझ नहीं आ रहा जी कि आज की रात कैसे कटेगी। टूना जी, आप और पिताजी तो काम पर चले जाते हो, घर पर तो हम ही रहते हैं, छत का कोई जुगाड़ कीजिए। टूनी की बात सुनकर टूना ने दिमाग लगाया और कहा, टूनी मेरे पास इस छत को सही करने का एक उपाय है। मैं कल काम से आते वक्त कारखाने से बड़ी सी पन्नी ले आऊंगा और इसे छत पर बिछा दूंगा, फिर चाहे कितनी भी बारिश आ जाए घर में पानी नहीं आएगा। टूना का बात सबको सही लगा। उस रात किसी तरह रुखी सुखी खाकर बैठे बैठे रात गुजार दी। टूनी की बेटी छोटी थी, वो टूनी के पास सो गई और टूनी की बैठे बैठे आंख लग गई। पूरा घर गीला था, इसीलिए कोई भी आराम से नहीं सो पाया। अगली सुबह टूना और उसके पिता काम पर चले गए। उसके कारखाने में बड़ी बड़ी पन्नियां बनाई जाती थी। टूना शाम को आते समय अपने साथ पन्नी लेकर आ जाता है और टूनी के साथ घर की छत पर उस पन्नी को डाल देता है। अरे वाह मम्मा, ये क्या है? ये पन्नी है बेटा। इससे क्या होगा माँ? इससे बारिश का पानी हमारे घर के अंदर नहीं आएगा और हमारा घर भी बाकी चिड़ियों के घर की तरह सूखा रहेगा। टूनी बहुत खुश थी क्योंकि बारिश की बड़ी परेशानी दूर हो गई। उस रात बहुत तेज बारिश आई, लेकिन आज टूनी के घर में जरा सा भी बारिश का पानी नहीं आया। अगले दिन वहाँ जंगल में जगह जगह पानी भरा देख मीनू चिड़िया बोली, बहू रात में बहुत तेज बारिश हुई थी, लेकिन हमारी खुशकिस्मती देख इस पन्नी की वजह से एक भी बूंद बारिश का पानी घर में नहीं आया। हाँ माँ जी, आज तो मैं बड़ी खुश हूँ। टूनी और मीनू बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। दो चार दिनों के बाद फिर से खतरनाक बारिश आई। जोर जोर से तेज हवा चली जिससे टूनी का घर ढहने लगा। पूरे जंगल में पानी भरना शुरू हो गया था। अरे अरे बहू, जल्दी से घर से निकलो, घर ढहने वाला है। गुड़िया बेटी, चल जल्दी से यहाँ से। मीनू और टूनी अपनी बेटी को साथ लेकर घर से निकल गई। उनके घर से निकलते ही उनके भूसे और बांस की छत गिर पड़ी और घर की दीवारें भी गिर पड़ी। अरे नहीं, हे ऊपर वाले, ये कैसा कहर बरसा रहा है। बहू, अगर हम यहाँ रहे तो हमें चोट भी लग सकती है, यहाँ से चल। मीनू टूनी और गुड़िया को एक बड़े से पेड़ के पास ले आई। वहाँ पर बैठकर दोनों ने बारिश के थमने का इंतजार किया। काफी देर के बाद मौसम भी कुछ शांत सा हुआ और जंगल में भरा पानी भी उतरने लगा। माँ जी, अब तो पानी भी उतर गया है, चलिए हम चलकर अपने घर की हालत देखते हैं। टूनी और मीनू अपने घर के पास वापिस आई। वहाँ का मंजर देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका घर पूरा बर्बाद हो चुका था। अब घर के नाम पर बस वहाँ पर मिट्टी का टीला बचा था। बारिश में उनका पूरा घर बह चुका था। ये क्या हो गया माँ जी? हमारा घर टूट गया, हमारा एकमात्र सहारा, वो भी पानी में बह गया। दोनों सास बहू उदास होकर उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गई और टूना और उसके पिता के काम से लौटने का इंतजार करने लगी। रात हुई तो टूना और उसके पिता जब घर आए तो वो भी अपने घर की हालत देखकर हैरान रह गए। ये क्या हो गया बाबा? पता नहीं तेरी माँ टूनी और गुड़िया कहाँ है, कहीं वो इसी में दबकर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे यकीन है कि वो तीनों ठीक होंगे। टूना ऐसा बोल ही रहा था तभी वहाँ टूनी और उसकी सास आ गई। पिताजी पिताजी। गुड़िया मेरी बच्ची, ये सब क्या हो गया मीनू? जिंदगी में तो पल का सुख मिला था, वो भी चला गया।
चलो ज्यादा परेशान मत हो, अगर हम सब साथ हैं तो दुनिया का कोई भी ताकत हमें चुका नहीं सकता। सही कहा बाबा ने, हमारा घर ही तो खराब हुआ है, अभी हम तो ठीक है ना, हम एक और घर बना लेंगे जो हमारे जितना ही मजबूत हो। लेकिन कैसे? वो भी मैं सोच लूंगा, अभी रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। पूरा परिवार रात में सिर छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगे, तभी एक पेड़ के नीचे रुक गए। रात को फिर से तेज तूफान के साथ बारिश हुई, जिसमें पूरे परिवार ने हिम्मत से काम लिया। मम्मा, बिजली मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, डरो मत, मैं हूँ ना, मम्मा है ना तुम्हारे साथ। फिर सुबह तक जाकर तूफान शांत हुआ। अजी, आज भी आप और टूना काम पर जाओगे? क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है, काम पर जाना भी जरूरी है और तुम लोग को ऐसी हालत में भी नहीं छोड़ सकते। टूना और उसके पिता परेशान होने लगते हैं, तभी टूनी के दिमाग में एक आइडिया आया। अजी, आज आप काम पर चले जाइए और वहाँ से आते वक्त एक बड़ी पन्नी ले आना, हम उन पन्नियों से ही घर बना लेंगे। पन्नी से घर? मैं कुछ समझा नहीं। जैसे हमने पन्नी का छप्पर बनाया था वो मजबूत तो था, पर घर ज्यादा पुराना होने की वजह से बारिश में ढह गया। आप जाइए, मैं और माँ हमारे पुराने घर को ही ठीक से बनाते हैं, और आप जब पन्नी ले आएंगे तो हम ऊपर से पन्नी लगा देंगे, इस तरह से उसमें पानी नहीं आएगी और हमारा घर मजबूत बनेगा। टूनी की बात सभी को समझ आ गई, टूना और उसके पिता काम पर चले गए। और शाम के समय कारखाने से बड़ी बड़ी पन्नी ले आए। इतने में दोनों सास बहू ने अपने घर को थोड़ा बहुत सही कर लिया था। माँ जी, हम अपने घर को तो पहले जैसा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन घर में अलग से छोटी सी रसोई बना सकते हैं। ठीक है बहू, कभी कभी बदलाव भी अच्छा लगता है। टूनी और मीनू ने अपने टूटे हुए छप्पर को उठाया और बाहर किया, फिर उन्होंने एक छोटा सा कमरा बनाया और उसके बराबर में मिट्टी से ही छोटी सी रसोई। जब उनका ये काम हो गया तो उन्होंने पूरे घर को पन्नी से लपेट दिया, ताकि बारिश में भी घर मजबूत रह सके। ऐसा उन्होंने छप्पर के साथ भी किया, उन्होंने छप्पर को दो भाग में तोड़ा और घर की छत में पन्नी के साथ दोबारा छप्पर बना के डाल दिया, और अब उनका पन्नी का घर बनकर तैयार था। अरे वाह बहू, अगर दिमाग लगाया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। सही कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा घर ऐसा भी हो सकता है। ये सब मेरी ही नहीं, आपकी भी मेहनत का नतीजा है। अब जब हमने अपना घर बनाया है तो इस खुशी में छोटा सा जश्न करते हैं। टूना सभी के लिए अपने काम के पैसों से कुछ पकवान लेकर आता है, जिसको पूरे परिवार ने अपने नए पन्नी के घर में बैठकर खाया। अब कितनी भी तेज तूफान और बारिश आ जाए, उनके घर को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, न ही कोई पानी उनके घर के अंदर आ रहा था। उनकी घर की ऐसी मजबूती देखकर टूनी के परिवार की चिंता अब खत्म हो गई, और अब वो अपने पन्नी के बने घर में चैन की नींद सोने लगे। सुनिए जी, अब थोड़ा रुक जाइए, चलिए खाना खा लीजिए। अच्छा, क्या बनाई हो आज खाने में? जी, राजमा चावल, आपको बहुत पसंद है ना? अरे टूनी, खुश कर दिया तुमने तो, क्या खुशबू है, मजा आ जाएगा आज तो खाने में। अब बस खुश ही होते रहोगे कि खाओगे भी। आओ तुम भी आओ, साथ में खाते हैं। आप खा लो पहले, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बाद बात छोड़ो, आ जाओ मेरे साथ खा लो। टूना के जीत करने पर टूनी भी साथ में खाने लगी। टूना और टूनी की शादी को 3 साल हो गए थे। टूना एक किसान था, वो दिन भर खेतों में काम किया करता था और टूनी घर संभालती थी। खाना खाने के बाद टूनी टूना को एकटक देख रही थी। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि आप दिन भर कितनी मेहनत करती हो और आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाते हैं। अच्छा, तुम सेठ जी की बात कर रही हो ना? बात तो सही है टूनी, कर्ज लिया है तो देना तो पड़ेगा ना।
मैं सेठ जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस टपोरी चंपू की बात कर रही हूँ। सारा दिन मेहनत आप करते हो और सारा मुनाफा वो ले जाता है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? खेती बाड़ी को छोड़कर उस चंपू चिड़िया की तरह सब्जी बेचने लग जाऊँ क्या? हाँ तो इसमें बुराई ही क्या है, और उसके लिए खेती छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो सब्जी आप उगाते हो उसे खुद बेचा करो, फिर खेती बाड़ी कौन देखेगा? आप ही देखोगे, जरूरत पड़ेगा तो मैं भी मदद कर दूंगी। मुझे एक बात बताओ जरा, वो टमाटर कितने में ले गया आपसे? 30 किलो था और वो 10 रुपए के हिसाब से लेकर गया था। हे भगवान, आपको पता है टमाटर अभी क्या भाव चल रहा है? वो चिड़िया यही टमाटर पूरे 5 गुने महंगे बेच रहा है। अरे पर मुझे समझ नहीं आता ये दुकान वा चलाना। दुकान चलाने को कौन बोल रहा है, बस आप सब्जी लेकर बाजार में बैठ जाओ, चिड़िया खुद आएंगे आपसे सब्जी खरीदने। ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम घर जाओ। टूनी खाना का टिफिन लेकर घर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद टूना टूनी की बातों पे विचार करता रहा। टूनी ने बात ठीक ही कही थी, तभी टूना को सेठ जी का ख्याल आया, जो एक नंबर का खड़ूस और लालची चिड़िया था। दरअसल टूना के पिता ने अपने बुरे समय में कालू सेठ से उधार लिया था, जिसके बदले में टूना का आधा खेत कालू सेठ के पास गिरवी पड़ा था। टूना उस खेत में खेती नहीं कर सकता था, वहाँ कालू सेठ के नौकर ही खेती किया करते थे। टूना अपना खेत वापस तो पाना चाहता था, लेकिन खेत छुड़वाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए टूना हर महीने किस्त के तौर पर एक हिस्सा कालू सेठ को देता था। फिर अगले दिन, भाई कुछ पूछना था आपसे। हाँ पूछो। मैं एक किसान हूँ, सोच रहा हूँ कल से अपनी सब्जियाँ मैं भी यही बेचने लगूँ। हाँ हाँ बढ़िया विचार है, पर इसके लिए तुम्हें कालू सेठ से पूछना पड़ेगा और उन्हें यहाँ का पगड़ी भी देना पड़ेगा। पगड़ी? भला किस बात की? अरे ये जो तुम जगह देख रहे हो ना, जिस पर सभी दुकान लगाए हैं, दरअसल ये जमीन कालू सेठ की है और ये दुकान भी कालू सेठ ने बनवाए हैं। हमारी मजबूरी है, इसलिए हमें यहीं बैठना पड़ता है। रोज 30 रुपए देने पड़ते हैं कालू सेठ को, अगर पैसे नहीं दिए तो उसके नौकर आकर मारपीट पर उतर आते हैं। अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी है भाई। है तो सही, अब क्या कर सकते हैं? अब जो है वो सब तो मैंने बता दिया। टूना उदास होकर घर चला आया, उसने टूनी को सारी बात बता दी। टूनी ने कुछ देर विचार किया और फिर, सुनो जी मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब, बताओ टूनी। हमारे जंगल की नजदीक में जो सुंदर वन का जंगल है, आप वहाँ जाकर भी तो सब्जियाँ बेच सकते हो। वहाँ ये सब नहीं है, मेरी सहेली रहती है वहाँ, उसका पति वहाँ पत्ता गोभी का ठेला लगाता है, उन्हें तो कोई पगड़ी देना नहीं पड़ता वहाँ। अच्छा अगर ऐसा है तो ये सही रहेगा, लेकिन एक समस्या है, सुंदरवन जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, मैं अपना सब्जी वहाँ ले जाऊँगा कैसे? रास्ता नहीं है तो क्या हुआ, नदी तो है ना, जिस नदी के किनारे हमारा जंगल है उसी नदी के किनारे सुंदरवन भी तो है, बस आपको एक नाव बनानी पड़ेगी वहाँ जाने के लिए। टूना को टूनी की बात अच्छी लगी। अगले दिन टूना अपनी जमा पूंजी से खर्च कर अपने लिए एक बढ़िया नाव बनवा लिया और वो उस नाव को नदी के किनारे ले गया। उस दिन टूनी और टूना बहुत देर तक नदी की सैर करते रहे। टूना नाव चलाकर टूनी को सुंदर वन ले आया। वहाँ पहुँचकर वे देखते हैं वहाँ दुकान तो थी, पर सब्जी की दुकान बहुत ही कम थी, इससे उनकी उम्मीदें और बढ़ गई। अगले दिन से टूना अपने नाव से सब्जियाँ लेकर सुंदर वन जाने लगा। टूना वहाँ जाता और सब्जियाँ बेचता। सुंदर वन के चिड़ियों को भी टूना की सब्जियाँ बहुत पसंद आई, साथ ही टूना सही दाम में ग्राहकों को सब्जी देता था। फिर इस तरह टूना और टूनी के दिन अच्छे होने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद, सेठ जी। अरे आ गया टूना। जी सेठ जी। सुना है आजकल तो बड़े नोट छाप रहे हैं। हाँ सेठ जी, बस 2 पैसे बच जाते हैं। सेठ जी ये लीजिए इस महीने की किस्त, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अरे रुक तो सही, किस बात की जल्दी है, वैसे दिमाग तो खूब लगाया है तुम दोनों ने,
पगड़ी नहीं दिया? चल कोई बात नहीं, पर अपना उधार तो चुका जो तेरे पिताजी ने मुझसे लिया था। चुका तो रहा हूँ सेठ जी, हर महीने किस्त लाता तो हूँ। देख अब बहुत हुआ, तू मेरे पैसे एक साथ दे या तेरा खेत मेरे नाम कर दे, समझे? पर सेठ जी, पर वह कुछ नहीं, 3 दिन का वक्त दिया है तुझे, जा जाकर पैसे का इंतजाम कर वरना अपना खेत भूल जा। असल में कालू सेठ टूना से चिढ़ गया था, उसे जलन हो रही थी कि टूना उसके बनाए बाजार में सब्जी नहीं बेच रहा, इसीलिए वो टूना को परेशान कर रहा था। उधर टूना को कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपना आधा गिरवी रखा खेत कालू सेठ के नाम ही कर देने का सोचा। अगले दिन टूना बहुत भारी मन से कालू सेठ के पास पहुंचा। हाँ बता, क्या सोचा है तुमने? सेठ जी, इतनी बड़ी रकम मैं चुका नहीं पाऊंगा, मैं जमीन आपके नाम ही कर दूंगा। अच्छा, रकम ही चुकाएगा क्या? मेरा ब्याज कौन देगा है? ठीक है सेठ जी, मैं कल सुबह आ जाऊंगा आपके पास। उस रात टूना को नींद नहीं आई क्योंकि उसका आधा खेत उसके हाथों से निकल रहा था और अपना खेत बचाने के लिए उसके पास कोई तरीका नहीं था। तभी आधी रात को बादलों के गरजने की आवाज सुनाई दी और कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगी। पूरे 4 दिन तक ऐसे ही बारिश होती रही और पूरा जंगल बाढ़ में डूबने लगा। बाजार तो जाना दूर, फिलहाल तो कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। चिड़ियों को काफी परेशानी होने लगी, किसी के पास पीने के लिए पानी नहीं बचा था तो किसी के घर में अनाज खत्म हो गया। ऐसे में टूना ही वो चिड़िया था जिसने सबकी मदद करने के बारे में सोचा। वो अपनी नाव की मदद से जरूरत का सामान चिड़ियों तक पहुंचा रहा था। हर कोई टूना की तारीफ कर रहा था। फिर अचानक, अरे सुनते हो? हाँ क्या हुआ? अरे तुमने सुना क्या? सेठ जी के मकान का दीवार गिर गया है और उनके घर में पानी भी घुस गया है। बाकी चिड़िया तो समय से निकल गए पर सेठ जी और उनकी पत्नी वहाँ फंस गए हैं। अरे तो मुझे जाना चाहिए, फौरन जाना चाहिए। इतना सुनकर टूना ने तेजी से अपनी नाव चलाई। उसने जाकर देखा तो सच में कालू सेठ और उसकी पत्नी पानी में फंसे थे और चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहे थे। टूना फौरन अपनी नाव लेकर कालू सेठ के पास गया और कालू सेठ और उनकी पत्नी को अपनी नाव पर बिठा कर बाहर निकाल लाया। पूरे 3 दिन तक कालू सेठ टूना के घर पर रहे। पानी का स्तर कुछ कम हुआ, टूना ने कालू सेठ से कहा, सेठ जी अब रास्ते खुल गए हैं, अब अपने खेत को आपके नाम करने जमीन को नापने चले। बस करो टूना, मेरी आंखें खुल गए, मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को बहुत परेशान किया पर फिर भी तुमने मेरी और मेरी पत्नी की जान बचाई, मुझे माफ कर दो भाई। और रही बात उस खेत की, वो खेत तुम्हारा था और आगे भी तुम्हारा ही रहेगा। और हाँ एक बात और, तुम्हें इस जंगल में जहाँ भी सब्जी बेचनी है बेच सकते हो, वो भी बिना किसी पगड़ी के। कालू सेठ की बात सुनकर टूना और टूनी बहुत खुश हुए। बारिश थम गई थी लेकिन टूना ने कालू के मन के मैल को हमेशा हमेशा के लिए धो दिया था।